Welcome back! यो और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत गा न्यूज के बारे में जो की बहुत ही बढ़िया बढ़िया है और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना हमारे एक लाख चौदह हजार सब्सक्राइबर हो गए काफी बढ़िया ग्रो कर रहे हैं एक लाख सोलह हजार में लो और जाके सब्सक्राइब कर लो एक रियल अरिस्टोक्रेट बनने के लिए और जो रिस्टोकार है कार्वर्सल का ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट हो गया है ट्वेंटी परसेंट में आने है तो इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो एक रियल अरिस्टोक्रेट बनने के लिए तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है की जो किया लॉन्च के तीन साल पूरे हो चुकी है जिसमें उस गाड़ी की बहुत ही बढ़िया सेल हो गई है इसके इंडिया में तीन लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी है जो की बहुत ही बड़ा नंबर है एक ऐसी गाड़ी जो कि इंडिया में अपने ब्रांड की पहली गाड़ी थी और वो भी वो ब्रांड जो कि इंडिया में अभी अभी आया और इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और उसको चूज करा है, है या फिर इसका GTX वाला है साथ ही ट्वेंटी फाइव लोगों ने इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ऑप्टेस्ट सेलिंग वेरियंट है वेरियंट है जिसमें आपको मेलो ट्रांसमिशन मिलती है वो इसका सेलिंग वाला वेरियंट है और ये मुझे काफी ऐसे अलग सी बात लगी

कि जो कि इस ब्रांड ने लॉन्च करा है फोकस करने वाला है और मार्केट है, वाला है महिंद्रा ने दो डिफरेंट कार्स करा है, जो कि एक है और एक्सुअ है और जो बी वाला ब्रांड है उसमें महिंद्रा ने तीन डिफरेंट कार्स करा है और तीनों एसवियसली और महिंद्रा ने यह भी बताया कि जो इनकी सारी इलेक्ट्रिक कार्स होने वाली है इनमें आपको इनग्लो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो कि एक ऐसे काफी हल्का सा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको साठ से लेकर अस्सी किलो वॉट आर के बीच की बैटरी मिलने वाली है आपको जीरो टू हंड्रेड छह सेकंड से कम में मिलने वाला है आपको बहुत ही बढ़िया चार्जिंग मिलने वाली है जिसमें आप तीस मिनट में इन गाड़ियों को एट्टी तक चार्ज कर सकते हैं साथ ही हरे गाड़ी में एडास मिलने वाला है आपको बढ़िया से सेफ्टी वगैरह मिलने वाली है और आपको तीन हॉर्स पर मिलने वाली है इनके टॉप एंड स्पे में जो की बहुत ही बढ़िया है और ये जो महिंदा का पूरा अनवे है इस पर डिटेल में वीडियो कारवास पे अपलोडेड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा जाके देखना काफी कुल वीडियो है जिसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया इसकी रेंज के बारे में महिंद्रा के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और क्या क्या आपको डिफरेंट मिलता है हरे गाड़ी में फिर दोस्तों न्यूज है थोड़ी और बड़ी है और थोड़ी और एक्साइटिंग है जिसमें जो फाइव डोर वाली महिंद्रा थार है उसे पहली बार रोड में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है जो की बहुत ही बड़ी बात है पिछले अराउंड डेढ़ साल से इस गाड़ी के बारे में बात हो रही थी और मैंने भी स्केच वगैरह बनाए थे जिसमें सब ऐसे कह रहे थे कि एक डोर थार आने वाली है जिसमें आपको रेंगुलर जैसी लुक्स मिलने वाली है आपको पांच दरवाजे मिलने वाले है और आपको वही थार की जो बड़ी ऑफ है और जो उसकी आइकॉनिक लुक्स है वो आपको मिलने वाली है तो इस गाड़ी की जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है जिससे क्या पता चलता है कि इस गाड़ी का जो लॉन्च है काफी पास है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ महीने में होने वाला है लेकिन दो में आप कह है सकते हैं कि जो फाइव डोर महिंद्रा थार है उसका लॉन्च होने वाला है जो की बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि अभी भाई एक्सोप सेवन डबल लॉन्च हुई है फिर स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई है अभी महिंद्रा की और इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही है और जो फाइव डोर महिंद्र थार है उसकी भी टेस्टिंग हो रही है तो भाई महिंदा अपने पूरे सिलेंडर पे काम कर रहे हैं भाई ऐसा ना हो उनकी पचास हजार गाड़ी बिकने लग जाए महीने की अगले कुछ महीने में और हो भी सकता है और जो फाइव डोर महिंद्रा थार है इसके बारे में ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा इसके कैमोफलाज में पर यह कंफर्म हो रहा है की आपको जो पीछे वाले दरवाजे काफी ऐसे पतले पतले मिलते हैं क्योंकि जो गाड़ी की लेंथ है महिंद्रा को ज्यादा बढ़ानी नहीं थी और बाकी जो गाड़ी का हुड है जो उसकी बॉडी लाइन है जो उसकी टेल टेलर है आपको एक्जैक्टली exactly सेम मिलती है उसमें आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला और देखते हैं इस गाड़ी के बारे में आगे फ्यूचर में क्या अपडेट्स आती है और क्या स्पास है और आपको मिलने वाले रिश्तों कार में तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे भी फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है की जो महिंद्रा है दोबारा महिंद्रा की न्यूज है महिंद्रा ने जब पंद्रह अगस्त को अपनी सारी इलेक्ट्रिक रेंज को अनवेल किया था तो उन्होंने एक्स्यूवी के बारे में कुछ नहीं बताया लेकिन अब री आ रही है की सेप्टेम्बर के पहले हफ्ते में जो एक्सुवी है उसका डेब्यू कर देंगे महिंद्रा जो की महिंद्रा की ऑब्वियसली जो एक्स्यूवी है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन होने वाला है और अभी इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन है नहीं। बहुत और अभी भी अगर महिंद्रा ने नहीं करी तो बहुत ही लेट हो जाएगीवी है, है उसमें आठ महीने की वेटिंग हो चुकी है तो भाई इसलिए महिंद्रा को लॉन्च कर देनी चाहिए क्योंकि टाटा का जो मार्केट है कुछ ज्यादा बड़ा हो गया और आपने एक चीज नोटिस कि जो टाटा है वो न्यूज में आई नहीं दे काफी महीनों से क्योंकि नई गाड़ी लॉन्च नहीं हो रही तो इसलिए मेरे ख्याल से टाटा को थोड़े बहुत अपग्रेड करने चाहिए अपनी गाड़ी में और इसी से अगली खबर आती है कि जो टाटा सफारी है और जो टाटा हैरियर है उनका शायद जो नया वाला फेस लिफ्टेड वर्जन है उसका लॉन्च अगले महीने हो सकता है जिसमें आपको एक पेट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाए इन वाली कार्स में जो की बहुत ही बड़ी बात होने वाली है क्योंकि फिलहाल जो हैरियर है और जो सफारी है सिर्फ डीजल के ऑप्शन में आती है और सिर्फ डीजल में इन गाड़ियों की इतनी बढ़िया सेल हो रही है तो मान लो कि अगर इनमें एक बढ़िया सा पेट्रोल का ऑप्शन आता है तो फिर इन गाड़ियों की सेल कितनी बढ़िया हो सकती है कंबाइंड और साथ

चाहिए था मैं एक बार चाहता था कि मेरे पास W16 इंजन हो पर भाई जो लास्ट गाड़ी इस वाले इंजन की वो भी बुगाटी ने डेब्यू कर दिया है और इसका नाम है मिस्ट्रल, जिसकी आप लुक्स देखो भाई कितनी ज्यादा मैजेस्टिक लुक्स है कितनी ज्यादा लक्सी लुक्स है मार्केट में कोई गाड़ी नहीं है जो की इसके आस पास भी हो लुक्स में और ये गाड़ी अगर आप देखें तो एक काफी बड़ा बार्केन है जो कि आप कहेंगे कैसी बातें कर रहा है क्योंकि ये जो गाड़ी की लुक्स अगर आप देखें तो जो अभी कुछ महीने पहले या फिर कुछ साल पहले बुगाटी की लाभ नुआर लॉन्च हुई थी जो कि अराउंड 20 मिलियन डॉलर्स की गाड़ी थी वैसे इसमें आपको लुक्स मिलती है जिसमें आपको सामने बड़ी वाली हॉर्सो ग्रिल मिलती है साथ ही में आपको ऐसे बार्स वाली एलईडी लाइट्स मिलती है और आपको सामने बहुत ही बड़े एयरवेंट्स मिलते हैं ये गाड़ी एक रोडसर है जो की बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि चिरौन आज तक रोडस्टर वाले फॉर्मेट में आई नहीं है लेकिन इस गाड़ी में आपको रोडसर वाला फॉर्मेट मिल रहा है तो काफी ऐसे कुल्स है और साइड में आपको वही लुक्स मिलती है एकदम ब्लैक डाउट और आपको बढ़िया वाले व्हील्स मिलती है और पीछे से आप देखो भाई क्या इस गाड़ी की मैजेस्टिक लुक्स है, में आपको दो से मिलते है और साथ ही कूल लग रहा है और चालीस करोड़ की गाड़ी है और अगर आप इंडिया में लेंगे तो सौ करोड़ के आसपास की पड़ने वाली है जो की थोड़ी महंगी हो गई और साथ ही में इस गाड़ी की सिर्फ नाइन नाइन यूनिट बनने वाली है और जो सारी नाइन्टी नाइन यूनिट है वो बिक चुकी है तो भाई मैं चाहता था एक W16 बुगाटी लेने का पर भाई बिक चुकी है और मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ तो उसके जो डीजल वाले ऑप्शन है उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया है दो हजार तेईस जनवरी तक जो की बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इनोवा में जो डीजल वाला ऑप्शन है वो ज्यादा बिकता था एज कम्पेयर टू पेट्रोल्श और उसी की ट्योटा ने बुकिंग लेना मन कर दी है और

नहीं कैसे प्रोड्यूस करने वाली इतनी सारी गाड़िया हर एक तीन चार महीने में नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं उसका प्राइस इतना सस्ता निकाल रही है की उसके पागलों की तरफ बुकिंग हो रही है और भाई पता नहीं <laughs> क्या ही हो रहा है आजकल मार्केट में और यही था आज के वीडियो में अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है